दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। कंगना रनौत के हिमाचल से मुंबई पहुंचने से पहले ही बवाल हो गया। वो दोपहर तक मुंबई पहुंची, इसके पहले ही बीएमसी ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर 24 घंटे में दूसरा नोटिस भेजा। इसके बाद ही बीएमसी की एक टीम बुलडोजर, क्रेन और हथौड़े लेकर पहुंच गई और ऑफिस में तोड़फोड़ की। टीम ने कार्रवाई 10:30 बजे से 12:40 तक की। कंगना का ये ऑफिस बांद्रा के पाली हिल में है। कंगना ने इस कार्रवाई पर लगातार 5 ट्वीट किए। उन्होंने कहा, ये एक इमारत नहीं राम मंदिर है, आज वहां बाबर आया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने साबित किया कि मुंबई को पीओके कहकर गलती नहीं की। कंगना ने कहा कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गए थे और उसे गिराने की तैयारी कर रहे थे। कंगना ने कार्रवाई पर पाकिस्तान का जिक्र करते इसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कहा। कंगना ने कहा, मैं कभी गलत नहीं थी, मेरे दुश्मनों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों मुंबई पाक के कब्जे वाला कश्मीर है। दरअसल एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। केंद्र ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। साथ ही बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना के वकील ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसकी सुनवाई जारी है। कंगना ने कहा कि मेरे घर में कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है। कोविड की वजह से सरकार ने भी 30 सितंबर तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है। बॉलीवुड, अब देखो फैसिज्म क्या होता है। बीएमसी ने कहा, नोटिस मिलने के बाद भी आपने काम जारी रखा, इसलिए नोटिस के मुताबिक फौरन तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और ये काम आपके खर्च पर ही किया जाएगा। कंगना के ऑफिस में 10 कंस्ट्रक्शन को बीएमसी ने अनऑथराइज्ड बताया था। शिवसेना ने आज फिर कंगना के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।